इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हमने किया है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी जूल कैसे निकलती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल, और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो इसको फिर फर्दर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस 19 होगा, मेगा के अंदर 10 की पावर माइनस 13 होगा। रिलेशन बिटवीन ए एम यू एंड एम ई वी केमिस्ट्री में यूज भी करते हो, 1 ए एम यू इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके अंदर ये प्रूफ भी आया हुआ है सीबीएसई में, प्रूफ करो तो कुछ नहीं करना, आपने ये लिखना है 1 ए एम यू क्या होता है, 1.66 इनटू 10 रे टू पावर माइनस 27 केजी। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, एनर्जी क्या होती है एम सी स्क्वायर, तो एम पता है, सी पता है, सी का स्क्वायर, तो ये इतने जूल, आप इतने जूल को 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 13 से डिवाइड कर दें तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। तो ये प्रूफ करना है, तो मान एम यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आइसोटोप पता है, आइसोबार पता है, आइसोटोन पता है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते फिजिक्स में।